जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है कैबिनेट बैठक हुआ था, मंत्रिपरिषद का बैठक, ठीक ना, रायपुर में, जिसमें आपका एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है सरगुजा व बस्तर संभाग के अभ्यर्थियों के लिए। बहुत ही अहम फैसला लिया गया है जिसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 2-3 मिनट आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो आज देखिए, जैसा कि आप सभी पता है, आपका जो है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क, जो छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट है जनसंपर्क, उसी से आपका जो है मैं लिया ये प्रिंट लिया गया है, देख सकते हैं। 6 सितंबर 2022 का है। आज आपका मंत्रिपरिषद का बैठक हुआ है, आप सभी को पता होगा, जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। इन सभी फैसलों में यहाँ से आप सारे फैसले देख सकते हैं। इसमें आज के बैठक में जो जो भी हुआ है उसको मैं इसका पीडीएफ आपको इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर वहाँ ज्वाइन हो जाइए। आपको जो जो निर्णय लिया गया है उसके बारे में पढ़ना होगा, तो आप इस पीडीएफ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक। जैसे बताया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के कल्याण व विकास के लिए पृथक पृथक विभाग के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, मतलब अलग अलग जो वर्ग हैं, कैटेगरी, उनके लिए अब अलग अलग विभाग का गठन किया जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक। साथ में किसानों के लिए भी सहकारी ऋणों से संबंधित कुछ जानकारी दिया गया है। इसी प्रकार से अलग अलग विभाग में अलग अलग आपका निर्णय लिया गया है, जिसमें जो बेरोजगार युवाओं के लिए जो है जो अभ्यर्थी हैं सरगुजा बस्तर संभाग के लिए, उनके लिए जो निर्णय लिया गया है उसके बारे में मैं बात बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, लास्ट में यहाँ देख सकते हैं आप कि बस्तर व सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी, ठीक। इसमें बताया गया है कि 6,285 आपका जो है सहायक शिक्षक, 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 आपका शिक्षक व 432 पद व्याख्याता के हैं। शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक व अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि 12,489 आपका जो है पदों पर भर्ती होगी सरगुजा व बस्तर संभाग में, ऐसा बोला गया है उस बैठक में, ठीक ना। सीएम जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि आपका लगभग 12,500 पदों पर सरगुजा व बस्तर संभाग भर्ती होगी। अरे, भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। जल्द होगी भी बोला गया है, जो कि आपको कल के न्यूज में अच्छे से मिल जाएगा देखने को, क्योंकि आज बैठक हुआ है, कल के न्यूज में आएगा वो अच्छे से, ठीक। तो जल्द ही होगी बोला गया है, मतलब अभी जो 10,000 शिक्षकों की भर्ती का चर्चा चल रहा था, ठीक ना, कि 10,000 पदों पे भर्ती होगी, तो उसी के साथ इस पद को जोड़ के निकाला जाता है या फिर अलग से निकाला जाता है, सभी अभी देखने की बात है, ठीक, कि किस प्रकार से पद निकाले जाते हैं। लेकिन ये भर्ती आपकी जल्द होगी बोला गया है, तो ये भर्ती आपकी जल्द ही निकल कर आएगी आपको, ठीक। तो आप यदि इन दो संभागों से है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अपनी तैयारी को और भी अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आने से पहले बहुत सारी भर्तियां जरूर करवाएगी सरकार, क्योंकि उनको युवाओं से आशा है, ठीक, क्योंकि चुनाव आने से पहले ही मान भर्तियां कराएगी, तो जो इसका लाभ उठा सकते हैं वो लाभ उठा लेते हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छे से बरकरार रखिए। या आपको इस वीडियो में बताना था कि आपको जो है ये भर्तियाँ जो है सरगुजा व बस्तर संभाग में जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। अलग अलग शिक्षक के अलग अलग पद हैं, यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपको एक बात यह है कि अभी जो इसके योग्यता से संबंधित कुछ बदलाव के बारे में चर्चित है कि योग्यता से संबंधित कुछ बदलाव किया जाएगा करके, तो बदलाव अभी फिक्स नहीं किया गया है कि क्या बदलाव किया जाएगा, लेकिन कुछ बदलाव किया जाएगा तो आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वहाँ आपको साफ साफ मेंशन कर दिया जाएगा, कुछ बदलाव होगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा जब बदलाव किया जाएगा तो योग्यता से संबंधित। बाकी यदि आप नॉर्मल अभी डीएड बीएड यदि आप किए हैं, ठीक, और 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास है, डीएड बीएड किए हैं, तब तो आप निश्चित तौर पर अपनी तैयारी को जारी रख दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा आपको मौका फिर शायद ही मिल पाए, ठीक, तो मिलने का बहुत ही चांस है। तो इसीलिए वीडियो बनाया गया था, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हर कोई तक यह जानकारी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।